हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टाइम की बहुत बड़ी न्यूज़ है। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक तरह से ये गुड न्यूज़ है। जो जो है सीएम है पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, और केजरीवाल ने जो है प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी को कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम हैं वो कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि जो ये सिचुएशन है COVID-19 की, इस सिचुएशन में जो है एग्ज़ाम नहीं हो सकते। जो पहले जो कुछ स्टेट ने डिसीजन ले भी लिया था कि जो है एग्ज़ाम वो अपनी स्टेट में नहीं लेगी, तो उसके बाद जो UGC की गाइडलाइंस आई तो उस चीज़ का यहाँ पे विरोध किया गया कि जो हमने पहले डिसीजन लिया था उसी को कंटिन्यू किया जाए। मतलब वही है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो और इस सिचुएशन में एग्ज़ाम नहीं हो सकते। एक तरह से जो लेटेस्ट गाइडलाइंस इशू की है मिनिस्टर ऑफ HRD ने, UGC ने, उस चीज़ का यहाँ पे विरोध किया गया है कि जो है वो एग्ज़ाम जो उन्होंने मैंडेटरी बोला है फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए, तो वो चीज़ गलत है। इस चीज़ का इन्होंने भी विरोध किया है, क्योंकि इस सिचुएशन में जो है चाहे हम ऑफलाइन की बात करें चाहे हम ऑनलाइन की बात करें, दोनों ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना मुश्किल है, दोनों में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए और उनको जो है प्रमोट कर देना चाहिए, उनको डिग्री मिलनी चाहिए। और इन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया है, एडवाइस किया है MHRD को, UGC को, कि जो भी उन्होंने गाइडलाइंस इशू की है उनको जो वो है दोबारा से देखे, ठीक है, और जो है स्टूडेंट्स के हक में जो है वो डिसीजन ले, उनके फ्यूचर के लिए सोचे, उनके बारे में सोचे और उनके हक में जो है डिसीजन ले। सो जो ये लेटर है ये लिखा हुआ है अमरिंदर सिंह ने। और इसके बाद अगर हम बात करें फिर अरविंद केजरीवाल ने भी जो है लेटर लिखा है जो है नरेंद्र मोदी को। उन्होंने भी जो है यही चीज़ बोली कि जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने भी IIT की इन्होंने बात की, NLU की बात की, कि जैसे देश में जो है नामी विश्वविद्यालयों ने पहले ही जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट कर दिया है, उनका जो भी प्रीवियस रिजल्ट था, इंटरनल असेसमेंट थी, उनके बेस पर जो है उनको मार्क्स दे दिए हैं, उनको रिजल्ट दे दिया है, तो फिर हम अपने जो है अपनी कंट्री में ये चीज़ जो है फॉलो क्यों नहीं कर सकते, फाइनल ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट क्यों नहीं कर सकते। उनकी जो है लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है। सो दोनों ने ही यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच सर, सल्यूट है आपको सच में बहुत। मतलब एक तरह से देखो आप, जो बाकी के स्टेट के CM हैं उन्होंने अभी तक कोई भी यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट के हक की बात नहीं की है। एक राजस्थान में जो है ये चीज़ चली हुई है, दूसरा जो अरविंद केजरीवाल ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, पंजाब के CM हैं वो तो बहुत जो स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिमांड बेसिकली यही है कि जो UGC ने जो गाइडलाइंस जारी की है उनके अंदर कुछ जो है चेंज होना चाहिए, उनको जो है बदलना चाहिए स्टूडेंट्स के हक के लिए। एंड जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ताकि जो है स्टूडेंट के हक में यहाँ पे डिसीजन लिया जाए, उनके जो है उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हुए, उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, उनकी हेल्थ को जो है कंसिडर करते हुए यहाँ पर डिसीजन लिया जाए। तो ये यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है। सो यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।